सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू फ्रेश व्लॉग। आज का व्लॉग आप टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि किस टॉपिक पे होने वाला है। ऐसे इस टॉपिक पे व्लॉग बनाना मुझे पसंद नहीं है, बट लास्ट वीडियो के बाद आप लोग की डिमांड आ रही थी कि भाई इस टॉपिक पे भी व्लॉग बनाओ, तो ठीक है, हियर इज़ द न्यू व्लॉग। वैसे मैं कोई राइड वाइड पे नहीं जा रहा, ऐसे ही मैं सुबह उठा और मेरे को चाय की तलब हुई, तो मैं सोचा चलो चाय पी के आते हैं और साथ में अपनी बाइक के ऊपर एक वीडियो भी बना लेते हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है N160 की ऐसी कुछ बातें जो मुझे एक साल के बाद कुछ पसंद नहीं आती। मतलब वैसे तो ये बाइक बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। मैं डिस्क्लेमर पहले दे दूं, भाई मैं इस बाइक को हेट नहीं करता, आई लव दिस बाइक, इसलिए मैंने इस बाइक को खरीदा और अभी तक रखा हुआ है। बट ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो एक ओनर फील करता है और एक बायर उसे जानना चाहता है कि क्या ऐसी कमियां हैं इस बाइक में जिसकी वजह से वो इस बाइक के अलावा और किसी बाइक को भी देख सकता है जो उसके शायद टू बाई लिस्ट में सूट नहीं कर रही हो। तो इसी के ऊपर एक वीडियो है, तो चलो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो इसके ऊपर है, ये ग्लव्स नहीं, वो है ये सीट के ऊपर। इस सीट के ऊपर जो भी बैठता है ना, मतलब 10-5 किलोमीटर के लिए, भाई वो कंप्लेन ही करता है। आई डोंट नो भाई, मेरे को मतलब जब मैं बाइक को लेने गया था तो इसकी विड्थ की वजह से जो सीट लगता था यार काफ़ी अच्छी होगी, बट मैं भी एक बार इस बाइक के पीछे सीट पे बैठा हूँ एंड दिस सीट रियली सक्स। वैसे आपको दिखने में काफ़ी कंफर्टेबल लगेगी, चौड़ी सी लगेगी और कुशन भी मतलब ओके ओके सा है, बट भाई इसमें बैठने के बाद और इस फुट पैग में पैर रखने के बाद ना पैरों की वाट लग जाती है और आप समझ ही सकते हो कहाँ की लग जाती है। तो सोच रहे अपनी N160 से टूरिंग करने का विथ अ पिलियन, तो भाई मेरी सलाह मानो, अगर तुम करना चाहते हो तो ठीक है, बट इसमें एक बैक रेस्ट लगवा लेना, इस सीट में थोड़ा सा कुशन जरूर डलवा लेना, वरना आपका पिलियन आपको रास्ते भर गाली देता रहेगा। सेकेंड, जो सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाला पॉइंट है जिसके बारे में यार कोई नहीं भूल सकता, वो है N160 की चेन प्रॉब्लम। सिर्फ N160 के साथ नहीं, बजाज के ऑलमोस्ट हर बाइक में ये इशू आता है, चेन इशू। बट इसका थोड़ा पॉइंट अलग है, इसका ये आपको रबर दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं फोकस करता हूँ कैमरामैन, यहाँ पर ये रबर है, इसके नीचे एक बोल्ट है, क्या होता है कि वो ढीला हो जाता है, उसकी वजह से ना ये जो चेन है ये उससे टकराती है और आवाज़ करती है। तो इसको टाइम से ल्यूब कर लो, क्लीन कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है भाई। जब तक आप इस चेन को टाइट नहीं करवाओगे ना और यहाँ ये रबर टाइट नहीं करवाओगे, तब तक ये दिक्कत आएगी आएगी, और कितना भी टाइट करा लो 100-200 किलोमीटर बाद इसका नेट वापस ढीला हो जाता है या क्या हो जाता है, मेरा तो शायद गिर भी गया है ढीला होके, तो वो बहुत आवाज़ें करता है, बहुत इरिटेटिंग लगता है। मतलब मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसको अपनी बाइक से बिल्कुल भी आवाज़ें नहीं पसंद, बट ये आवाज़ भाई आती ही आती है, कुछ नहीं कर सकते उसमें, कितना ही करा लो यार, कितना टाइट करा लो, कितना क्या करा लो, आवाज़ें तो आनी है। इसके बाद जो एक इशू है वो है बाइक में, मतलब बाइक दिखने में आपको काफ़ी सिस्टमेटिक सी दिखेगी, बट इसमें कुछ ऐसी छोटी सी प्रॉब्लम है जो कि विजिबल है। वैसे इस बाइक के वायर्स वगैरह देखे जाए तो बहुत मिनिमल से वायर दिखते हैं, बजाज ने काफ़ी अच्छा काम किया और काफ़ी मतलब पैक्ड बाइक सी दी है, बट इसका जो ये एक वायर है भाई ये मेरे को काफ़ी परेशान कर देता है। मतलब ये देखो, ये ऐसे लटकते ही रहता है, ये इसका यहाँ पर दिया है कि आप इसको ऐसे क्लिप कर दो ताकि ये बार बार ना निकले, बट आप देख सकते हो यहाँ पर ये यहाँ से ऐसा है और ये यहाँ जैसा मुड़ा मुड़ा सा है, तो ना चाहते हुए भी ये वापस खुल जाता है। और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ये जो चीज़ है ये देख लो, मतलब क्या है मेरे को समझ नहीं आता। और वायरिंग की बात कर ही रहे हैं तो साथ में इसकी जो पेंट क्वालिटी है वो भी मतलब मेरे को उतनी कुछ खास नहीं लगती, प्लस जो टच एंड फील है ना वो उतना कुछ खास नहीं है यार। मतलब टैंक में आप ऑलरेडी देख सकते हो काफ़ी सारे छोटे छोटे स्क्रैचेस हैं। मैंने PPF नहीं कराया क्योंकि मेरे को लगा यार इसकी पेंट क्वालिटी वगैरह अच्छी होगी, बट नहीं भाई, इसकी पेंट क्वालिटी से उतना खुश नहीं हूँ मैं, बट ठीक है, जिस प्राइस पॉइंट में बाइक जो ऑफर करती है वो बहुत है, ज़्यादा कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। बट हाँ, थोड़ा पेंट क्वालिटी में और बिल्ड क्वालिटी में बजाज शायद थोड़ा और काम कर सकता था, क्योंकि आप ये सब देख सकते हो भाई, ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर से हैं, मतलब लिटरली बहुत कमज़ोर है ये चीज़। तो बाकी जो सारे पॉइंट्स हैं वो हम चलते हुए बात करते हैं। बड़ा ब्यूटीफुल मॉर्निंग यार, कसम से देखो सामने ही सनराइज़ हो रहा है और काफ़ी खूबसूरत सुबह हो रही है। और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो बस 10 सब्सक्राइबर रह गए हैं 2K होने में, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल। वैसे ये काफ़ी नेगेटिव वीडियो है रिक्वेस्ट करने के लिए, बट प्लीज़ यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो। और इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो माइट भी ऐसा व्लॉग रहेगा जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, यानी कि वो लॉन्ग राइड का व्लॉग रहेगा। हाँ, तो यार जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके लिए मैंने ये जगह चुनी है। अब ये जगह क्यों चुनी है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका ये हैंडल देख रहे हो आप, मस्त एकदम प्यारा हेलमेट, एकदम प्यारा हैंडल है, बट अब इसको मैं ऐसे मोड़ के दिखाता हूँ, बस ये इतना मुड़ता है और इधर भी देख लो,
मतलब बस इतना सा मुड़ता है भाई ये हैंडल। कौन सी गाड़ी का हैंडल इतना मुड़ता है भाई, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ किस गाड़ी का इतना गंदा टर्निंग रेडियस हो सकता है। तो मैं वही आपको करके दिखाता हूँ कि जैसे मान लो मेरे को यहाँ से यू टर्न लेना हो, स्पेस काफ़ी है, कोई भी बाइक मतलब एक बार में मुड़ जानी चाहिए। मैं इसको पूरे यहाँ से मुड़ता हूँ, देखो यहाँ ले जाके अब मुड़ता हूँ, मैंने पूरा हैंडल काट दिया है। ये देखो कहाँ जाके मुड़ रही है ये गाड़ी कहाँ जाके मुड़ रही है, मतलब दिस बाइक टेक्स अ लॉट ऑफ प्लेस टू मेक अ यू टर्न। और पता दिक्कत क्या है इस गाड़ी के साथ, ये है 154 kg इसके। मैं ऐसा नहीं कह रहा ये बहुत ज़्यादा भारी है, इससे ज़्यादा भारी भारी गाड़ियाँ हैं मार्केट में, मैंने चलाई हैं, बट फिर भी थोड़ा सा वो फील होता है ना कि मेरी एक तो हाइट भी थोड़ी कम है एंड लंबे लोगों के लिए शायद इतनी दिक्कत ना हो, बट इसको आगे पीछे करने में अगर ये बाइक बंद है तो यार थोड़ा सा एफर्ट लगता है। मतलब ये सिर्फ उनके लिए जिनकी हाइट कम है, और टर्निंग रेडियस तो यूनिवर्सल है, टर्निंग रेडियस इस बाइक का जो भी चलाता है कंप्लेन करता ही है कि यार इसका हैंडल बस इतना ही मुड़ता है। मतलब लाइक लेजिट मैंने ये वर्ड सुने कि इसका हैंडल इतना ही मुड़ता है क्या यार, इस बाइक की आवाज़ सुन के ना मज़ा आ जाता है। ओ क्या ही आवाज़ है भाई, अमेजिंग साउंड दिस बाइक हैज। थोड़ा भगाते हैं बाइक को, खींचते हैं थोड़ा सा, भाई फोर्थ गियर में 104 जाती है भाई, दैट्स नाइस। एंड मैंने एक वीडियो देखा था उसमें ये थर्ड गियर में 88 जाती है, बिलीव मी और नॉट इसकी जो मिड रेंज है ना वो काफ़ी अच्छी है। मतलब थर्ड गियर में 88 आप समझ सकते हो एक 160cc की बाइक के लिए कितना अच्छा है। एक्चुअली मैं अभी इस बाइक को भगा क्यों रहा हूँ ताकि मैं आपको कुछ दिखा सकूँ। वैसे आपने मेरे हर व्लॉग में हर वीडियो में एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी, वो है इस बाइक की इंजन लाइट अभी नहीं आ रही सरप्राइजिंगली। मतलब मैं पहले आराम से चला रहा था, पता नहीं आई डोंट नो अभी क्यों नहीं आ रही है, बट जो सबसे गंदी चीज़ है जो मुझे इस बाइक में लगती है भाई, जो मतलब नज़रों के सामने आ ही जाती है हर राइड में। अभी देखो जो नेक्स्ट व्लॉग आप देखोगे ना, मैं राइड पे जाऊंगा उसमें आप देखना कंटिन्यूस इसमें इंजन लाइट जल रही होगी। अभी इंजन लाइट क्यों जलती है, वो इसलिए जलती है कि आप इस बाइक को अगर हल्का स्पीड में चलाओ, हल्का तेज़ चलाओ और थोड़ी ऐसे खींच के चलाओ जैसे अभी मैं खींचने वाला हूँ, तो इंजन लाइट आ जाती है। अभी नहीं जल रही, पता नहीं क्यों नहीं जल रही, मैं वीडियो बना रहा हूँ शायद इसलिए नहीं जल रही, पर भाई हर राइड में आपने देखा होगा मेरे, आप कोई भी व्लॉग उठा के देख लो उसमें इंजन लाइट जल रही होगी, और उस व्लॉग के कमेंट में भी ये रहता है भाई इंजन लाइट क्यों जल रही। मैं पता आपको सवाल दे देकर थक गया हूँ कि भाई इसकी इंजन लाइट क्यों जलती है और कैसे हटती है। लाइक हर वीडियो के कमेंट में मैं ये रिप्लाई करता ही हूँ कि भाई इसकी इंजन लाइट कैसे हटती है, क्यों आती है, क्योंकि ये काफ़ी अजीब चीज़ है ना। एक नया बाइकर देखेगा जिसको N160 का A to B कुछ नहीं पता, उसके लिए N160 एक नई गाड़ी है, वो कोई और बाइक चलाता है, उसकी बाइक में इंजन लाइट का कोई सीन नहीं है। उसकी बाइक में इंजन लाइट तब आती है जब उसकी बाइक में कुछ ख़राब होता है, बट जो मेरी बाइक है, जो मेरी N160 है, नॉट ओनली मेरी, बहुत सारी मतलब आप लगा लो 100 में से 70-75 N160 में ये प्रॉब्लम है ही है। या तो इंजन लाइट आएगी उनकी, या तो ABS लाइट आएगी, या तो ऑयल की लाइट आएगी। मेरे ग्रुप में दो N160 और दोनों में इंजन लाइट आती है, अभी नहीं आ रही बदमाश। अभी जब इसको आना चाहिए तो ये नहीं आ रही है, क्योंकि मैं ऐसा भगा नहीं रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरा मूड नहीं कर रहा भगाने का। जस्ट लुक एट दिस सनसेट, दिस व्यू, दिस बाइक इज़ लव। और क्या चाहिए लाइफ में, एक चाय और मिल जाए तो मज़ा आ जाए। लेट्स सी चाय खोजते हैं अच्छी सी। तो भाई जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो आप पहले ये वीडियो देखो। इसकी जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है वो इस समय मुझे काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। मतलब ये पहले नहीं आ रही थी, अभी कुछ टाइम से ही आने लगी है। मतलब पहले भी आती थी बट ये दूसरे सेल्फ में स्टार्ट हो जाती थी, पहले सेल्फ में पहले भी स्टार्ट नहीं होती थी बट मैं उसको इतना सीरियसली नहीं लेता था। आजकल ये ना पहले सेल्फ में स्टार्ट होती है, कभी कभार तो ये चौथा सेल्फ खींच लेती है। मतलब मेरी किस्मत अच्छी है तो तीसरे सेल्फ में स्टार्ट हो जाएगी, वरना ये चौथा पाँचवा सेल्फ भी ले लेती है कभी कभी। और मैं क्या हूँ ना, मैं ज़्यादा लंबे सेल्फ नहीं लेता, मैं थोड़ी देर मेरे को लगता है बाइक स्टार्ट नहीं हो रही तो मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि शायद उससे बैटरी में इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मेरे को किसी ने ये चीज़ बताई थी, तो मैं मतलब ज़्यादा लंबा सेल्फ नहीं खींचता।
बट ये बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। इसे मेरी N160 में नहीं, काफ़ी लोगों, मतलब मेरे जो फ्रेंड सर्कल है उनमें भी, उनकी गाड़ियों में भी ये दिक्कत हो रही है। मतलब उन्होंने सामने से मुझे बताया कि यार उनकी गाड़ी भी, मैं इस चीज़ को इतनी सीरियसली ले नहीं रहा था, बट जब उन्होंने भी मुझे बताया कि भाई हमारी भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो मुझे लगा यार ये क्या नहीं दिक्कत है। मतलब बजाज नो डाउट बाइक बहुत अच्छी बनाई है भाई बजाज ने इस समय, मतलब बजाज मचा रहा है, इतनी अच्छी अच्छी बाइकें लॉन्च कर रहा है। बट यार थोड़ी R&D करके निकालो, मतलब ऐसा नहीं है कि बस बाइक बेच देनी एंडर मार्केट में 1.5 लाख की कोई भी बाइक उठा के बेच दो, ऐसा नहीं होता यार। आपको R&D करनी चाहिए अच्छे से, इंजन लाइट आ रही है, ये स्टार्टिंग इशू हो रहा है बीच में, और हर गाड़ी में थ्रॉटल बॉडी का सेंसर प्रॉब्लम है कि गाड़ी मिसिंग कर रही है, ये सब यार अच्छा नहीं लगता। मेरी गाड़ी में भी थ्रॉटल बॉडी का काम हो चुका है, थ्रॉटल बॉडी इसकी पूरी, थ्रॉटल बॉडी का जो सेंसर है वो चेंज हो चुका है। इसलिए यार ये मुझे ना BS6 बाइकें बिल्कुल भी नहीं पसंद। आई लव द BS4 इंजन, BS4 इंजन से बेहतरीन इंजन बना ही नहीं। BS4 यार इतना प्यारा इंजन है ना, जो प्रबल भैया के पास है, प्रबल भैया की बाइक में कोई सेंसर नहीं है, चलाओ जैसे चलानी, ECU वगैरह कुछ नहीं है। वो तो बोलते हैं मेरी बाइक में ECU होता मैं कोड 6 करा लेता उसको। ये बाइक से पता है मैं ना कितनी भी एवरेज निकाल सकता हूँ। मतलब मैं आपको एक बात बताऊँ, मतलब मैंने किसी व्लॉग में नहीं बताया, जो सबसे लीस्ट एवरेज मुझे इस बाइक ने दी है ना वो दी 42। मैंने टैंक टू टैंक कैलकुलेट की थी, मैं खरगोन गया था, बहुत पुराना व्लॉग है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो, काफ़ी अच्छा व्लॉग था वो। एंड लास्ट जब मैं भोपाल गया था तो इसने मुझे 48 का टैंक टू टैंक एवरेज दिया था। काफ़ी बुराइयाँ हो गई भाई हमारी बाइक की, यही कुछ बुराइयाँ थी हमारी बाइक की, बाकी सब अच्छा है भाई, हमारी बाइक में कोई बुराई नहीं है, एकदम शेर है हमारी बाइक, चीता है, एकदम उड़ता है, एकदम विमान जैसे, इसलिए इसका नाम विमान रखा है। इसका जो मिड टॉर्क आता है ना, इतना अमेजिंग मिड टॉर्क है इसका, टॉप एंड घटिया है मैं जानता हूँ, बट जो मिड टॉर्क है भाई, मिड है इस बाइक का, बहुत अमेजिंग है। जैसे 5000 RPM, 7000 RPM, 5000 और 7000 RPM के बीच में इस बाइक में जो पावर डिलीवर होता है ना, वो आपको फील होता है कि हाँ खिंच रही है बाइक, इसलिए मैंने इस बाइक का नाम विमान रखा हुआ है। आपको बस एक गियर डाउन करने की ज़रूरत है, दिस बाइक विल गो लाइक शू। और क्या ही आवाज़ आती है भाई, क्या ही आवाज़ आती है इस बाइक से ना, वाह ऑफ रोडिंग वन में N160। अरे ह्यूंडई वाले GCB भी बनाने लगे, क्रेटा नहीं बिक रही क्या। हम आ गए राला मंडल, राला मंडल से हमारी बहुत सारी राइडें शुरू हुई हैं, तो हम यहीं पर रुक के चाय पीते थे, और यहाँ की चाय काफ़ी अच्छी है। तो प्रथा को पूरी करते हुए नहीं, मैं कहीं राइड पे नहीं जा रहा हूँ, बस चाय पीऊँगा, चाय पी के वापस घर चला जाऊँगा ना। Enjoying my chai with this beautiful trucks on the beautiful highway with my beautiful bike with not so beautiful me। लाइफ में और क्या चाहिए, ऐसे हाईवेज हो उनमें चलते, ऐसे ट्रक्स हो, ऐसी बाइक हो, ऐसी चाय हो। मेरा चाय उतनी कुछ खास नहीं है, मैं इतनी दूर तो आ गया, बट नाउ आई एम रियलाइजिंग कि चाय इतनी अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं लगता जैसे इतने गुस्से से देख रही हो ये, जैसे कि अभी खाई जाएगी। चलो अभी ये वीडियो नेगेटिव के ऊपर है, तो अगर आप N160 ऑन करते हो या N160 ऑन करना चाहते हो, तो कुछ ऐसे कमेंट्स करो कि आप N160 क्यों ऑन करना चाहते हो, और N160 में आपको क्या बेस्ट लगता है। जो मेरे को सबसे अच्छा कमेंट लगेगा उसको मैं पिन कर दूंगा, सो योर कमेंट्स विल बी रियली अप्रिशिएबल, प्लीज़ कमेंट करना ज़रूर। तो घर जाते जाते करा लिया है नाश्ता पैक, नाश्ता खाएंगे घर जाके मस्त गरम गरम। आई विल ट्राई कि मैं ना सोऊं दिन में, मैं कोई मूवी या वेब सीरीज़ देख लूँगा, या ये वीडियो अपलोड करके आज ही डाल दूँगा, और कल मैं राइड पे निकल जाऊँगा रात में सो के, ताकि ना यार दिन में नींद ना आए। ये आदत बहुत बुरी है आई नो, बट है तो है। तुम कहाँ खुले हो बे, बंद हो। तो इस वीडियो को भी यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय।